मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के बीच मंडी जिले के नेरचौक स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज के हस्तांतरण के संबंध में यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ESIC कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर कुल 924.82 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे राज्य को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज आरंभ होने के 2 वर्षों के उपरांत 285.23 करोड़ रुपए की राशि 5 वार्षिक किश्तों में अदा की जाएगी। कॉलेज परिसर में 4 खंड, 1 पुस्तकालय, 5 मंजिला प्रशासनिक खंड, नर्सिंग कॉलेज व 7 संग्रहालय होंगे। अस्पताल में 500 बिस्तरों की सुविधा है और कैजुअल्टी वार्ड में 40 बिस्तर, 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जिनमें औषधि, इंजेक्शन और स्टोर से वार्ड तक के लिए नमूनों की स्व हस्तांतरण सुविधा के साथ साथ लेजर प्रणाली से युक्त ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। इसके अतिरिक्त एक मुख्य ऑपरेशन थिएटर और 2 लघु ऑपरेशन थिएटर भी आपातकालीन वार्ड के साथ जोड़े गए हैं। कॉलेज परिसर में संकाय एवं स्टाफ के लिए 371 आवासों की सुविधा, लड़कों के लिए 300 कमरों का छात्रावास, लड़कियों के लिए 200 कमरों के छात्रावासों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। रेजिडेंट चिकित्सक छात्रावास, इंटर्न छात्रावास, नर्सिंग छात्रावास और नर्सिंग प्रशिक्षुओं के लिए अलग से आवास बनाए गए हैं। ESIC कॉलेज में रोगियों के लिए एक सराय भवन, एक व्यायामशाला, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम, एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक बड़ी पार्किंग जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।